आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम जब आपको बॉदर करता है, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, आर्थराइटिस का हो, या फिर आपका गट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हो, या माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, बॉडी के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं क्योंकि आप बॉडी के साथ बात नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है समझिए, बॉडी आपको हर चीज के लिए सिग्नल देती है। अगर आप कंप्यूटर से बैठ के बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो गर्दन बोलती है थक गई, एक ब्रेक ले लो। आप बोलते हो नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो पूरा कर लूं, डेडलाइन है, बैठना ही पड़ेगा थोड़ी देर और। आप नेक के सिग्नल को ओवरलुक कर रहे हो, बॉडी ने सिग्नल दिया था। उसी तरीके से आप रनिंग करते हैं, घुटना बोलता है कि थकावट होने लगी, आप बोलते कोई बात नहीं, मेरे को लास्ट माइल और दौड़ना बाकी है, और आप करते हो रनिंग पूरी अपनी। सो घुटने ने सिग्नल दिया था, आपने ओवरलुक कर दिया। खाना खा रखा था, पेट भरा हुआ था, कोई सामने जलेबी लेके आ गया और आपने बोला कोई बात नहीं चलने दो। बॉडी ने सिग्नल दिया हुआ था कि पेट भरा है, दैट्स इट, आपने बोला ना। सो बॉडी के सिग्नल्स को जब आप नहीं सुनते तो प्रॉब्लम्स आते हैं। कील के ऊपर पांव पड़ जाए तो फटाफट से उठ जाता है ना पांव, सिग्नल आया पेन का, फटाफट से पांव ऊपर हो गया। किसी गर्म चीज पे हाथ लगा दिया, गर्मी का सिग्नल जैसी ब्रेन तक पहुंचा फटाफट से हाथ हटा लिया। सो सिग्नल जिनको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो आपको बचा रहे हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम से। सो आई ऑलवेज से दिस इन ऑल माई वेबिनार्स, ऑल माई कोर्सेस, टू ऑल माई पेशेंट्स, टू ऑल माई स्टूडेंट्स, कि इसकी एक तख्ती अपने बेडरूम में टांग दो जो मैं कहने जा रहा हूं। लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी, लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनिए और रिस्पॉन्ड करिए। अगर आपकी बॉडी के सिग्नल्स आप सुनते हैं, चाहे वो नेक स्टिफनेस का हो, चाहे नी पे रनिंग करते हुए आता हुआ सिग्नल हो, चाहे पेट भरे हुए होने का सिग्नल हो, आप गलती करेंगे ही नहीं, आप हमेशा ठीक काम करेंगे क्योंकि आपने सिग्नल सुना है, रिस्पॉन्ड किया है। सो हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना है, हेल्थ इश्यूज को आने नहीं देना है, जो योग का प्रिंसिपल है, हेयम दुखम अनागतम, अरेस्ट द डिजीज बिफोर इट ऑकर्स। सो आप प्रॉब्लम के होने से पहले ही उसको पकड़ लेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से डिजीज के 6 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है चय, यानी कि प्रॉब्लम का इकट्ठा करना। एलोपैथी प्रॉब्लम को तब एड्रेस करती है जब वो प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं, तब उसको एड्रेस करती है। लेकिन योग इनसे पहले ही बात करता है, हेयम दुखम अनागतम, की डिजीज के होने से पहले उसको रोक लो, चय भी मत होने दो, उससे पहले पकड़ो। और वो सिर्फ तब संभव है जब आप बॉडी के सिग्नल्स को सुने और रिस्पॉन्ड करें। इसमें दो अपवाद हैं, दो एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस भी उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों को ऑलरेडी एडिक्शंस हुए हैं। मतलब एडिक्शन किस चीज का? आलस्य, नंबर एक। सो आप बोलो कि नहीं मेरी बॉडी का सिग्नल है सुबह 2 घंटा फालतू सो, नहीं आलस्य है, बॉडी ने सिग्नल तो ठीक ही देती थी, आपने आदत लगा लगा के उसका सिग्नल खराब किया हुआ है फिलहाल। सो ये अपवाद मानेंगे, आप इस सिग्नल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे। दूसरा, स्वाद की अधीनता, नहीं जी मेरे को तो बड़ा टेस्टी लगता है तो 2 रसगुल्ले की जगह मैं तो 4 खा जाता हूं, नहीं चलेगा। तो स्वाद बॉडी मांग रही है 2 और खा ले, बॉडी नहीं मांग रही है आपकी, आपने उसको ट्यून कर रखा है, जुबान का स्वाद है जिसकी अधीनता हो गई है। सो आलस्य और स्वाद की अधीनता, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करने में, ध्यान रखेंगे आप। और अगर आप बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, सो मस्कुलोस्केलेटल तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती जो लाइफस्टाइल से आ रही है, वो तो आ ही नहीं सकती। ऑर्गन से जुड़ी हुई भी मोस्टली प्रॉब्लम्स आपके लाइफस्टाइल से बाहर हो जाएंगी। So, इस प्रिंसिपल को गांठ बांध के अपने साथ रखिए और इसकी तख्ती निकाल के अपने एक रूम में टांग दीजिए।